वन विभाग ने पकड़ा अजगर, प्लाजा के एक व्यापारी ने फेंक दिया नाले में। व्यापारी पर राजकार्य में बाधा डालने पर होगी कार्रवाई। अभी तीन चार दिनों से अजमेर में लगातार कई घरों में मोहल्लों में सांप अजगर गोयरे जैसे जानवर निकलने की सूचना वन विभाग को प्राप्त हो रही है। वन विभाग जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रहा है, लोग जानवर निकलने के साथ इसी तरह वन विभाग को सूचना दे रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं। आज प्लाजा के पास एक अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को मिली। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया। इसमें वन विभाग के कर्मचारियों को सफलता भी हासिल हुई। लेकिन प्लाजा सिनेमा के पास अजंता ट्रेडर्स के नाम से एक दुकान के व्यापारी ने अजगर को बाल्टी में डाला और उसे नाले में पटक दिया। व्यापारी की इस हरकत से आसपास के लोग और वन विभाग के कर्मचारी आश्चर्यचकित हो गए। इस मामले को लेकर अन्य व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर किया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि अजंता ट्रेडर्स के मालिक पर राजकार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की जाएगी। जी, आज पब्लिक ने वन विभाग को सूचना दी थी सर। वन विभाग के अधिकारी सब आ गए थे, उसके बाद भी क्या घटना हुई थी? ये घटना ये हुई कि ये उसको रेस्क्यू भी कर लिया था, बाल्टी में ले भी लिया था और ले जाने लगे तो ये दुकान है इनकी अजंता ट्रेडर्स, तो ये भाई साहब आए और बाल्टी को लेके नाले में डाल दिया। जब पानी से बह रहा और उसको अजगर को रवान कर दिया गौ लाइफ का। और यहाँ आम पब्लिक भी इन्हों की भी आप देख लो, ये सारे साथ हैं इस मामले में, सब वन्य प्रेमी हैं, सारे बिल्कुल चाह रहे हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो लेंगे कार्रवाई। क्या लगाओगे इसमें? वन्य जीव संरक्षण में और राजकार्य में दोनों में आएगी। राजकार्य में बाधा डाली उन्होंने? हाँ, राजकार्य में ये मेन तो यही है और राजकार्य था ही और राजकार्य हम कर रहे थे। दूसरा है कि वन्य जीव का मामला भी है तो उसमें होगा, जो भी नियमानुसार होगी वो कार्रवाई होगी। आपका नाम? आपका? सत्यनारायण शर्मा, बनपाल, अजमेर। आज हमारे पीपल का पेड़ है चौराहे पे, इस पर एक अजगर सांप निकला जिसको हमने सूचना वन विभाग वालों को भी दी। वन विभाग वाले आ गए, मौके पे मौजूद हो गए, उसके बावजूद दुकानदार अपने थानेदारी करके बाल्टी के अंदर सांप पकड़ के मना करने के बावजूद मेरे घर के अंदर ये नाले में डाल के गया और उसको समझा रहे हैं तो लड़ने पे आमादा हो रहा है, मेरा कोई क्या कर लेगा। वन विभाग के आदमी मौजूद हैं, 3 फुट का सांप है। मोहल्ले की लड़की एक्टिवा लेके गुजर रही थी, वो खुद सांप को देख के गाड़ी समेत गिर गई, उसके बावजूद अपनी एकता दिखाने के लिए फालतू कर रहा है। आज वो सांप है मेरे घर के नीचे आ रहा, सांप किसी बच्चे को खा जाएगा, कोई मर गया, कोई गिर गया, कौन जवाबदार बनेगा उसका? वन विभाग वाले आ गए थे यहाँ पे, वन विभाग वाले मौजूद थे, उसके बावजूद ने हरकत करी है। बाल्टी गन ये अपनी जबरदस्ती तानाशाही चला रखी है इन लोगों ने, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये वन विभाग की संपत्ति वन विभाग वाले अपना अपने स्तर पर छोड़ गए थे, वन विभाग वालों को हमने सूचना कर दी, वो आ चुके थे, उसके बावजूद ये आदमी अपनी अधर्मिता दिखा के अपने आदमियों के बाहुबल पे दिखा के जबरदस्ती मेरे घर के नीचे नाले में डाल के गया है। ये घटना प्लाजा चौराहे की है, प्लाजा पीपल का पेड़ है, इसके यहाँ निकला सोडे के ठेले के नीचे निकला सांप, जबकि ये सुबह से निकला हुआ, हम सब चौकीदारी कर रहे थे, वन विभाग वालों को हमने सूचना दी है कि भाई आओ ये सांप पकड़ के ले जाओ, ये वन संबंध है वहाँ पर छोड़ो। इस आदमी ने अपनी जबरदस्ती तानाशाही दिखाने के लिए, ये अजंता ट्रेडर्स वाला है, इनका लड़का है, ये नारियल की दुकान, ये इसने अपनी अधर्मिता दिखा के इतने करी हरकत है। मेरा नाम महेंद्र सिंह कटारिया, मैं उत्तर ए ब्लॉक का महासचिव हूँ कांग्रेस का।